three students A, B, C are to take part in swimming competition, the probability of A is winning or B winning each is 3 times the probability of C winning. The probability of C winning if there is no tie is. तो अगेन अगर हम देखेंगे हमें गिवन है कि अगर A win कर रहा है या फिर B win कर रहा है, इन दोनों की ही जो winning की probability है वो है हमारे पास में 3 times of winning of event C. अब एक और चीज हमें पता है, either A win कर रहा है, B win कर रहा है या फिर C win कर रहा है, तो इन तीनों के जो win होंगे उनकी probability का sum क्या जाएगा, PA plus PB plus PC. ये होगा हमारे पास में equal to what? PA plus PB plus PC is equal to 1. क्योंकि हमने सिर्फ first की बात कर रहे हैं win की, तो either A win करेगा, B win करेगा और C win करेगा, और कोई third choice है ही नहीं कि कोई और win करेगा. और हमें वो जो गिवन है कि A intersection B, B intersection C, वो सब जीरो गिवन है कि वो पॉसिबल ही नहीं है. हमें गिवन है इफ देयर इज नो टाई, तो टाई जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना. तो अब PA की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C. फिर PB भी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C, रहेगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इज इक्वल टू 1. तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इज इक्वल टू 1/7. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/7. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, इफ देयर इज नो टाई, तो क्या है हमारे पास में आंसर 1/7 के इक्वल, ऑप्शन 1.